हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? तो सबको पता है ना, हम लोग फिलहाल टर्म टू की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और आप बच्चों का हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सुपर इंटरेस्टिंग, सुपर फन चैप्टर है। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो देखो, तभी आपको ये वाला लेक्चर थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं आज की क्लास में, इसी चैप्टर को हम लोग आगे और अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप बच्चों के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे आफ्टर फेब्रुवरी। ठीक है, फेब्रुवरी के बाद क्या हुआ ये आप बच्चों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में फेब्रुवरी रेवोल्यूशन पढ़ लिया था। ठीक है, तो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ ये आपको समझ आ जाएगा। अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, अक्टूबर में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग आज के क्लास में कवर कर लेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़े बेसिक इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। वैसे तो आप में से काफी सारे बच्चे जानते हैं मुझे, अगर नहीं जानते तो मैं अनुष्या हूँ, एंड सोशल साइंस आप लोग मेरे साथ कवर करोगे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोग मेरे साथ कवर करोगे। फिलहाल हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ओके, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो आफ्टर फेब्रुवरी क्या, ठीक है, ऐसे नहीं कह देना मैम मार्च आता है। ठीक है, तो हम इसे अपने सोशल साइंस के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं। आफ्टर फेब्रुवरी क्या, तो फेब्रुवरी में रेवोल्यूशन करा रशिया के सारे लोगों ने, और फेब्रुवरी रेवोल्यूशन का आउटकम क्या निकला, हमने राजा को हटा दिया, है ना, राजा से लोग परेशान थे, राजा को हटा दिया गया। तो अब अगर फेब्रुवरी के बाद राजा हट गए हैं तो क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स थी राजा के वजह से वो भी धीरे धीरे हट जानी चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन अब रशिया में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब राजा थे तब राजा ने पता है क्या कह रखा था, राजा ने कह रखा था कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं रख सकता, क्योंकि राजा को पता है एक डर था कि अगर सारे लोग मिलेंगे बातचीत करेंगे तो ये मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग करेंगे। तो राजा ने क्या कह रखा था कि पब्लिक मीटिंग मेरे रशिया में अलाउड नहीं है। अब तो राजा को हटा दिया, तो अब रशिया में लोग कहने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पब्लिक मीटिंग करो, हम आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएशंस नहीं बनाने, एसोसिएशंस मतलब अगर चार पांच लोग हैं वो लोग साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो हम उसे एसोसिएशन कहते हैं। तो राजा को अगेन डर लगता था कि लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर लेंगे, तो राजा ने कह रखा था कि नहीं कोई एसोसिएशन नहीं बनाना। अब तो राजा हट गए, तो अब लोग कह रहे हैं रशिया में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से जितने मर्जी एसोसिएशन आप बनाना चाहते हो उतने बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने लगा, लोग सोवियत बनाने लगे। सोवियत पता ना हमने क्या डिस्कस करा था, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं काउंसिल, रशिया के लोग काउंसिल को क्या कहते हैं, सोवियत। ठीक है, अगेन राजा ने कह रखा था कि सोवियत नहीं बनाना, काउंसिल नहीं बनाना, अब तो राजा को हटा दिया तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग काउंसिल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी दौरान बेटा हमने एकदम लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक लीडर थे हमारे रशिया में और उनका नाम था लेनिन, है ना, लेनिन। मैंने आपसे कहा था कि नाम याद रख लो, चैप्टर में बाद में आएंगे, तो अब बस लेनिन की एंट्री हो गई है। तो राजा को ना लेनिन से डर लगता था। ठीक है, राजा को पता था कि लेनिन बहुत बढ़िया लीडर है, अगर लेनिन लोगों से कुछ कहेंगे तो लोग सुनेंगे। तो जब तक राजा पावर में थे राजा ने क्या कह रखा था लोगों से कि अगर तुमको लेनिन कहीं दिख जाए ना उसे पकड़ के मेरे पास ले आना। ठीक है, ऐसा कह रखा था राजा ने। ठीक है, पर अब तो राजा हट गए, तो जब तक राजा थे लेनिन छुप छुप के डर डर के कहीं रहते थे कि अगर मैं बाहर निकला लोगों को पता चल जाएगा, लोग मुझे उठा के राजा के पास ले जाएंगे। अब तो राजा हट गए तो अब लेनिन भी खुले में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, पहले छुप के रह रहे थे, अब बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है, ठीक है, लेनिन कह रहे हैं ये, तो लेनिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी का जो रशिया है उसमें तीन चीजें बदलने की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या थी वो तीन चीजें, एक तो उन्होंने कहा वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज,
जो भी युद्ध चल रहा है, जो भी वॉर चल रहा है, उसको बंद करो। अभी रशिया की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग वॉर कर पाए। नेक्स्ट लेनिन ने क्या कहा कि जमीन को फिर से बांटो। अभी क्या हो रखा है, कुछ अमीर लोग हैं उनके पास पूरी जमीन है, कुछ गरीब लोग हैं उनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। तो लेनिन ने कहा कि जमीन को फिर से बांटना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। ठीक है, और क्या कहा लेनिन ने कि जो भी बैंक्स है उनको नेशनलाइज करो। नेशनलाइज करने का क्या मतलब है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आओ। ये सारी चीजें लेनिन ने कही, तीन डिमांड लेनिन ने दी, और इन तीन डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेटा आपके पास कि लेनिन्स अप्रैल थीसिस क्या था। तो ये तीन डिमांड जो थी लेनिन की, इसी को हम लेनिन्स अप्रैल थीसिस कहते हैं। और ये यहाँ पे आपके लेनिन है, ठीक है। तो मैंने एक इमेज डाल दी ताकि आप बच्चों को थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए, ये लेनिन है। और ये तीन डिमांड अप्रैल थीसिस का पार्ट थी, लेनिन की तीन डिमांड थी। स्टार्टिंग में तो जब लेनिन ने ये तीन डिमांड कही तो लोगों को लगा कि लेनिन ये क्या कह रहे हैं, अभी तो सही टाइम नहीं है ये सारी चीजें करने का, ठीक है, अभी रशिया में हम ये तीन डिमांड फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा लोगों को लग रहा था। पर धीरे धीरे आने वाले मंथ्स में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को लगता है कि नहीं, लेनिन शायद सही कह रहा था, ठीक है, हमें अभी लेनिन के तीन डिमांड्स को मानने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ आने वाले कुछ महीनों में कि सारे लोगों को लगा कि हाँ लेनिन सही कह रहा था, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में क्या हुआ, बहुत सारी कमिटीज बनने लगी। अब राजा नहीं है तो कमिटीज बनाना अलाउड है, बहुत सारी कमिटीज बनने लगी, बहुत सारी एसोसिएशंस बनने लगी, सोल्जर्स भी साथ में मिलके एसोसिएशंस बनाने लगे, ये सारी चीजें होने लगी, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अब रशिया में क्या है, राजा नहीं है, तो राजा नहीं है तो किसी के हाथ में तो पावर जाएगी। जैसे ही राजा हटते हैं क्या होता है, रशिया में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, प्रोविजनल शब्द का मतलब होता है टेम्पररी, और गवर्नमेंट हमें पता है ना, तो एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाती है रशिया में कि अब राजा नहीं है तो इस टेम्पररी गवर्नमेंट को हम पावर्स दे देते हैं, ये रशिया को संभाल लेगी। पर ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है ना बेटा, इनके दिमाग में एक टेंशन आ जाता है कि अब तो लेनिन वापस आ गए, लेनिन वापस आ गए मतलब लेनिन के पार्टी का नाम था बोल्शेविक, तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोगों को लगने लगता है कि बोल्शेविक लोग ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं रशिया में दो पावर्स, दो लोग पावर के लिए लड़ रहे हैं, एक ग्रुप है प्रोविजनल गवर्नमेंट और एक ग्रुप है बोल्शेविक, ठीक है। तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को दिख रहा है कि लेनिन वापस आ गए हैं और सारे लोग लेनिन को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर कम होती जा रही है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगता है कि हमारी पावर कम हो रही है, लेनिन की पावर ज्यादा हो रही है, बोल्शेविक पार्टी के लोगों की पावर ज्यादा हो रही है, वो सोचते हैं कि हमको कुछ एक्शंस लेने होंगे, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, एक्शन लेने, उनके लिए एक्शन लेने का क्या मतलब था कि जो भी लेनिन के पार्टी के लोग हैं उनको पकड़ो और जेल में डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, लेनिन के पार्टी के जो भी लोग थे वो लोग भाग रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं, ठीक है, उनको लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे होते हैं क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोग लेनिन के पार्टी के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे पावर के लिए, ठीक है। ऐसे में जो लेनिन थे उनके दिमाग में मतलब एक डर सा आने लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही रशिया में तो हो सकता है रशिया में क्या हो, डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाए। डिक्टेटरशिप समझते हो आप लोग, जैसे हिटलर जो थे, ठीक है, वो डिक्टेटर थे, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप मतलब अगर कंट्री में किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर आ जाए तो उसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो लेनिन को लगा अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोग यही करते रहे तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम में ये लोग डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लेनिन सोचते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बात है अक्टूबर 1917 की, ठीक है। लेनिन क्या करते हैं, लेनिन सोचते हैं कि मुझे लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, मुझे प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का नाम होता है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी, ठीक है। और लियोन ट्रॉट्स्की, ये जो पर्सन है ये लियोन ट्रॉट्स्की है,
लियोन ट्रॉट्स्की को इस कमिटी का हेड बनाते हैं और लियोन ट्रॉट्स्की से कहते हैं कि आप संभाल लो इस कमिटी को, अगर हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट से लड़ाई करने जाते हैं तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी को आपको संभालना है। तो लेनिन, ठीक है, और लियोन ट्रॉट्स्की और भी बहुत सारे लोग साथ में बैठ के प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग कब प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर हमला करेंगे। अब हम तो देखो क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें ये सारी चीजें पता है, पता लग रही है, ठीक है, पर उस दौरान ये सारी चीजें सीक्रेटली हो रही थी। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को आइडिया नहीं था कि लेनिन के लोग ऐसे कोई प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। अब बात है 24 अक्टूबर की। ठीक है, 24 अक्टूबर को क्या होता है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, यहाँ पे मैंने इमेज डाल दी है उनकी, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, उनको 24 अक्टूबर को लगता है कि कुछ तो ऑफ है, कुछ तो गड़बड़ है, शायद लेनिन के पार्टी के लोग आज कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे, डॉन के टाइम पे ये क्या करते हैं, ये प्लान बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की और अपने लोगों के साथ दो बोल्शेविक बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, बोल्शेविक बिल्डिंग मतलब लेनिन के दो बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, लेनिन के पॉलिटिकल पार्टी का नाम था बोल्शेविक, याद है ना, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। तो 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो क्या करते हैं, दो बोल्शेविक पार्टी के बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पर लेनिन भी तो तैयार बैठे थे ना लड़ाई करने के लिए। इतने में क्या होता है, उस एरिया में बेटा हमने पढ़ रखा है एक नदी होती है रिवर नेवा, है ना, तो रिवर नेवा के थ्रू भी ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। रिवर नेवा में अलग अलग शिप्स और वेसल्स को उतार देते हैं, विंटर पैलेस के सामने बहुत सारी शिप्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से इनकी लड़ाई चल रही होती है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी लियोन ट्रॉट्स्की के लोग भी बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग सरेंडर कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग हार मान रहे हैं, आप लोग बढ़िया लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, हम लोग हार मान रहे हैं, आप लोग अपने हाथ में सारी पावर रख लो। ठीक है, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे प्रोविजनल गवर्नमेंट बैकआउट कर गई है। ठीक है, और जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बैकआउट कर दिया, बोल्शेविक्स के हाथ में मतलब लेनिन के पार्टी के हाथ में सारी पावर आ गई है। तो जो बोल्शेविक लोग जो हैं उन्होंने मॉस्को के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है, साथ ही साथ पेट्रोग्राड एरिया के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है दिसंबर तक। ठीक है, तो इस पूरे इवेंट को बेटा हम कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था, जब वर्कर्स ने राजा को हटाया। अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट और लेनिन की पार्टी बोल्शेविक, इन दोनों के बीच की लड़ाई, जिसमें हम देखते हैं कि लेनिन बोल्शेविक पार्टी के लोग जीत जाते हैं। इसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद आपका एक टॉपिक था ना, व्हाट आफ्टर फेब्रुअरी, फेब्रुअरी के बाद क्या। तो नेक्स्ट अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद भी एक सिमिलर टॉपिक है जिसको हम कहते हैं व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद क्या बदला। ठीक है, अक्टूबर के बाद आप जरा सोचो क्या बदल सकता है। अक्टूबर से पहले जो हमारे लेनिन थे वो तीन डिमांड्स लेके बैठे थे कि रशिया में ये तीन चीजें होनी चाहिए, पर कोई उनकी बात ही नहीं मान रहा था, है ना। काफी लोगों ने कहा कि नहीं, इन तीन चीजों की हमें जरूरत ही नहीं है अभी रशिया में। पर अब क्या है, अक्टूबर के बाद बोल्शेविक पार्टी जीत गई है, ज्यादातर पावर लेनिन के हाथ में है। तो अगर लेनिन के हाथ में पावर आ गई तो लेनिन क्या करेंगे, लेनिन अपनी चलाएंगे। तो अब जो तीन डिमांड थी लेनिन की, लेनिन धीरे धीरे उन तीन डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं लेनिन कि सबसे पहले हम लोग बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे। तो ये बात है नवंबर 1917 की। लेनिन कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बैंक्स हैं, उनको हम गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह दिया गया, लेनिन ने कहा कि जो लैंड है, जो जमीन है, वो हम फिर से बांटेंगे, उसको हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट अप्रैल थीसिस में एक और डिमांड क्या थी बेटा लेनिन की, कि वॉर नहीं करना, अभी वॉर करने के लिए सही टाइम नहीं है, ऐसा लेनिन का मानना था। तो लेनिन ने कहा कि हम लोग वॉर करना बंद करेंगे, है ना। तो अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद वो सही में स्टेप्स लेते हैं वॉर को कम करने के लिए। ठीक है, तो उन स्टेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। रशिया के लोग क्या करते हैं, जर्मनी के लोगों के साथ पीस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉर को वो खत्म करना चाहते थे, ये सारी चीजें भी लेनिन करते हैं।
ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, ओल्ड टाइटल्स को बैन कर दिया जाता है। ठीक है, ओल्ड टाइटल्स मतलब उस टाइम पे जो रिच और पावरफुल लोग होते थे वो अपने नाम के सामने कोई ना कोई टाइटल लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सुना होगा जैसे एक टाइटल यूज होता है ड्यूक, ठीक है, जैसे कोई प्रिंस है, कोई प्रिंसेस है, तो उन सबको दिखाने के लिए उनके नाम के सामने कोई ना कोई टाइटल लगा दिया जाता है। तो टाइटल से बाकी लोगों को पता लग जाता है, अच्छा ये आदमी बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिच है। तो लेनिन ने कहा कि नहीं, अब हम लोग ओल्ड टाइटल्स, ये सारी चीजें यूज करना बंद कर रहे हैं, ओल्ड टाइटल्स को हम लोग बैन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेनिन चाहते थे कि बदलाव लोगों को दिखे भी, है ना। बदलाव वैसे आपको पता है कि दिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि दिन में 2 घंटे पढ़ने से बात नहीं बन रही, हम दिन में 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, हम बहुत बार सोचते हैं ऐसा। पर फिर जब रिजल्ट आता है, पेपर हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो हमारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं कि तुम तो कहते कि 6 घंटे पढ़ाई करते हो, कुछ बदलाव तो दिख नहीं रहा। तो बदलाव दिखना भी चाहिए लोगों को। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो वो रिजल्ट आपके आंसर शीट में भी दिखना चाहिए, तभी लोगों को लगता है कि हाँ कुछ बदल रहा है। ठीक है, तो लेनिन को भी ये बात पता थी, उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि बदलाव लोगों को दिखे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, उन्होंने लोगों की यूनिफॉर्म बदल दी। ठीक है, तो जो ऑफिशियल्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स थे, उनकी एक न्यू यूनिफॉर्म रख दी ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद कुछ तो बदला है। तो ये इन लोगों की न्यू यूनिफॉर्म थी बेटा, एंड आपको इस यूनिफॉर्म में दिख रहा होगा कि इनकी ना एक अलग टाइप की हैट भी थी उस टाइम पे, एक थोड़ी पॉइंटेड सी हैट है, उसमें एक स्टार वार बना हुआ है, तो इनकी हैट भी, हैट को भी बदल दिया जाता है, और इनका एक सेपरेट अलग यूनिफॉर्म भी उस टाइम पे बना दिया जाता है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा था, ये सारे चेंजेस अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद आ रहे थे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, अब क्या कहते हैं, लेनिन कहते हैं कि हम अपने पार्टी का नाम बदल देते हैं। ठीक है, तो पार्टी का नाम क्या था, बोल्शेविक। ठीक है, पार्टी का नाम बदलने के बाद ये लोग क्या रखते हैं, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भी आप देखोगे कि चैप्टर में आगे बोल्शेविक नाम ही ज्यादा यूज किया जाता है, पर अगर कहीं पर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आप नाम देखो भी तो आप याद रखो कि ये बोल्शेविक का ही एक दूसरा, एक अलग नाम है। ठीक है, अब बात है नवंबर 1917 की। ठीक है, नवंबर 1917 में लेनिन ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। ये लेनिन का प्लान था कि हम लोग क्या करेंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देते हैं। ठीक है, ये लेनिन का प्लान था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ेंगे, डेमोक्रेसी की ओर बढ़ेंगे, इस टाइप का प्लान था। पर सरप्राइजिंगली लेनिन का ही प्लान था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, पर लेनिन के पार्टी के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंच ही नहीं पाते, कोई उनको ज्यादा वोट नहीं देता, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेनिन के लोग ज्यादा नहीं होते, बाकी पार्टीज के लोग ज्यादा होते हैं। अब इससे क्या होगा, जब भी लेनिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई आइडिया लेके जाते थे कि हम लोग रशिया में ये करते हैं, ये लोग मना कर देते थे, ये लोग कहते थे, क्योंकि लेनिन के पार्टी के लोग थे ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो क्यों मानेंगे लेनिन की बात, है ना। तो जब भी लेनिन कोई आइडिया लेके जाते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग कहते थे कि नहीं ये आइडिया बेकार है, हम इसे फॉलो नहीं कर सकते। अब लेनिन को बुरा लग जाता है, लेनिन सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई भी मैंने है और मेरी कोई बात इस असेंबली में मानी ही नहीं जा रही। ऐसे में लेनिन क्या करते हैं, लेनिन कहते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बंद कर रहे हैं। लोग पूछते हैं लेनिन से कि ऐसे कैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बंद कर रहे हो, तो लेनिन पता है बहुत ही एक क्लेवर जवाब देते हैं। लेनिन कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सही सर्कमस्टांसेस में नहीं बनी। ठीक है, जो हमारे सिचुएशंस थे वो सही नहीं थे, हमारे जो लोग थे बेचारे वो टेंस थे क्योंकि लड़ाई का माहौल चल रहा था, अक्टूबर रेवोल्यूशन का माहौल था। तो अभी ये इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हटा देते हैं, बाद में जब थोड़ा पीसफुल टाइम होगा, थोड़ा बढ़िया टाइम होगा, तब हम लोग अच्छे से एक और बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करेंगे, ये इन लोगों का मानना था। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग हटा देते हैं। बाद में हम देखते हैं 1918 में, मैंने आपसे कहा था लेनिन स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि वॉर को हटाओ, वॉर करने का टाइम नहीं है। तो 1918 में फाइनली हम देखते हैं कि रशिया के लोग जर्मनी के लोगों के साथ पीस कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कह रहे हैं कि चलो
बहुत लड़ाई कर ली हमने, अब हम थोड़ा मतलब पीसफुली रहते हैं। तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये लोग फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ अब हम लोग पीसफुली रहेंगे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब आने वाले जो कुछ साल थे बेटा, इसमें हम देखते हैं कि रशिया जो है, इट बिकेम बोल्शेविक पार्टी बिकेम द ओनली पार्टी। ठीक है, रशिया में अब ऐसे होने लग गया कि हर जगह सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ही है, मतलब रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया। ठीक है, रशिया में एक ही पार्टी सब कुछ संभाल रही है, और ये आप बच्चों को पता भी है, ये डेमोक्रेसी के स्पिरिट के खिलाफ होता है ना। एक कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए, पर रशिया के लोगों के पास ज्यादा कोई ऑप्शन था नहीं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी रशिया में सब कुछ संभाल रही थी। ठीक है, ये लोग उस टाइम पे पता है क्या करते थे, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी थी हर जगह, तो बोल्शेविक पार्टी के लोग अपने पावर को अब थोड़ा मिसयूज करने लगे थे। जब भी उनको लगता था कि कोई बोल्शेविक के खिलाफ कुछ कह रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा पनिश किया जाता था। ठीक है, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता था कि अगर आप बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, तो ये सोशलिज्म के खिलाफ बोलने के बराबर है। तो लोगों को बहुत ज्यादा पनिश किया जाता था। एंड सरप्राइजिंगली लेनिन को देखो यही डर था, है ना। लेनिन को क्या डर था, कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोग डिक्टेटरशिप स्टार्ट ना कर दे। पर सरप्राइजिंगली धीरे धीरे अब बोल्शेविक पार्टी, लेनिन के पार्टी के लोग कहीं ना कहीं डिक्टेटर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं रशिया में। ओके, इस दौरान बहुत सारे यंग ऑथर्स थे। ठीक है, जैसे इंडिया में, अपने इंडिया में हुआ था ना, जब ब्रिटिशर्स हमें परेशान कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे बहुत यंग ऑथर्स थे जिन्होंने कुछ कुछ लिखा, पोएम्स लिखी, गाने लिखे, है ना। इस दौरान रशिया में भी सेम था, बहुत सारे यंग ऑथर्स थे। कुछ लोग लेनिन के खिलाफ लिखते थे, कुछ लोग लेनिन के सपोर्ट में लिखते थे, कुछ लोग कंफ्यूज थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करें, लेनिन सही में अच्छे हैं, बोल्शेविक पार्टी के लोग सही में अच्छे हैं या अच्छे नहीं है। ठीक है, लोगों को पता नहीं लग पा रहा था। ठीक है, चलो, तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया है क्या? अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दो, यस मैम ऑल क्लियर। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो इस वीडियो को, कॉमेंट करो नीचे ताकि मुझे पता चले हमारे क्लास 9 के बच्चे देख रहे हैं। शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे टर्म 2 की तैयारी चल रही है। ओके, चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिविल वॉर। सिविल वॉर होता क्या है, जब कंट्री के अंदर ही, कंट्री के ही लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे, हम उसे सिविल वॉर कहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, रशिया में एक सिविल वॉर का माहौल क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। वॉर मतलब लोग लड़ रहे होंगे, तो किस टाइप के लोग लड़ रहे थे वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक साइड थे बोल्शेविक लोग, ठीक है, मतलब लेनिन के पार्टी के लोग, इनको रेड कलर से सिंबलाइज किया जाता है, इनको रेड्स भी कहा जाता है। ठीक है, रेड कलर से सिंबलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट, दूसरी तरफ थे, एक टीम तो ये थी, ठीक है, एक साइड तो ये थे, दूसरे साइड दो लोग थे, एक को हम कहते हैं सोशलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज, मतलब ऐसे लोग जो सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम सिस्टम को जल्द से जल्द बदल दें, रेवोल्यूशन लेके आए। और इस तरफ थे प्रो सारिस्ट। प्रो सारिस्ट मतलब, वैसे तो हमने राजा को हटा दिया रशिया में, है ना, पर कुछ लोग ऐसे थे जो अब भी मानते थे कि ये बोल्शेविक के लोग बेकार हैं, लेनिन बेकार हैं, फिर से अपने राजा को लेके आओ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, बोल्शेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और प्रो सारिस्ट, ये लोग लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, इन लोगों की एक टीम है, और ये लड़ किसके खिलाफ रहे हैं, बोल्शेविक के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे सिविल वॉर में। ठीक है, अब ये जो लोग थे ना, जो ग्रीन और वाइट थे, इनको ग्रीन और वाइट कहा जाता है, इनको पता है सपोर्ट कौन कर रहा था। अब अगर ये लोग लड़ाई में पार्ट ले रहे हैं, इनको कोई सपोर्ट कर रहा होगा, इनको फ्रांस के लोग, अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग, जापान के लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ठीक है, अब इन सारे बाकी कंट्रीज को रशिया के लोगों को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, ये इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इनको डर था कि अगर हमने रशिया में सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दिया, तो सोशलिज्म ज्यादा फैलने लगेगा। इससे पहले कि सोशलिज्म ज्यादा फैले, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोशल रेवोल्यूशनरीज और सारिस्ट को सपोर्ट करते हैं ताकि वो लेनिन के पार्टी को हरा दें। तो इसीलिए इस दौरान बाकी कंट्रीज के लोग प्रो सारिस्ट, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, अब ये सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, एंड ये जो सिविल वॉर का माहौल था इस दौरान बहुत ज्यादा लोग लूट मचाते थे, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते थे, तो सिविल वॉर के दौरान रशिया का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, ठीक है। अब चलो, अब ऐसे में ना कहीं लोग बोल्शेविक से परेशान थे, लोग सोच रहे थे कि बढ़िया है, बोल्शेविक को अगर वाइट्स लोग हरा दे, अगर ग्रीन्स हरा दे, तो फिर रशिया ठीक हो जाएगी। इतने में ही क्या होता है, जो वाइट्स होते हैं ना बेटा, वो एक गलती कर देते हैं, ठीक है। वाइट्स जो थे, ठीक है, मतलब जो प्रो सारिस थे, जो राजा को सपोर्ट करते हैं, ये रिच लोग हैं, ठीक है। प्रो सारिस मतलब ऐसे लोग जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, वही लोग चाहेंगे कि राजा वापस आ जाए, है ना। तो ये रिच लोग हैं, जब इनको पता लगता है कि रशिया में जमीन को फिर से बांटा जा रहा है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके पास तो ज्यादा जमीन है ना, ये क्यों चाहेंगे कि ये अपने जमीन का हिस्सा किसी और को दे दें। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा वायलेंस यूज करना स्टार्ट करते हैं और पुअर लोगों से जमीन वापस छीनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। गरीब लोगों से बोलते हैं कि तुम हमसे जमीन नहीं ले सकते, जो भी तुमने हमसे जमीन ली है वो वापस करो। तो ये लोग वायलेंटली पुअर लोगों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं, और इस वजह से रशिया के लोगों को लगता है कि अरे हमें तो लगा कि वाइट लोग अच्छे हैं, ये तो गरीब लोगों से लड़ रहे हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, वाइट्स की और ग्रीन्स की पावर कम होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसको देख के रशिया के लोगों को लगता है कि हमको गलत लगा, ये लोग शायद उतने अच्छे लोग नहीं है, ठीक है। तो लोग बीच में बोल्शेविक को ज्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बोल्शेविक के लोग भी बीच में ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल्शेविक को सपोर्ट करें या ना करें। क्या करते हैं बोल्शेविक के लोग, दे ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी के लोग सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक जगह है बेटा, ठीक है, खीवा, सेंट्रल एशिया में, यहाँ के बहुत सारे लोगों को बोल्शेविक के लोग मार देते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे बहुत सारे लोगों को बोल्शेविक पार्टी के लोग मार देते हैं। जब बोल्शेविक पार्टी के लोगों से पूछा जाता है कि अरे आपने ऐसे क्यों इतने सारे लोगों का मास मर्डर कर दिया, तो ये लोग पता है क्या जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि हमने तो इसीलिए मर्डर कर दिया क्योंकि ये सोशलिज्म के खिलाफ थे। तो अब रशिया के लोग कंफ्यूज हैं कि हम साइड किसकी लें, बोल्शेविक पार्टी के लोग भी लोगों को मार रहे हैं और दूसरी साइड जो वाइट्स हैं, प्रो सारिस्ट हैं, वो लोग भी गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो बोल्शेविक पार्टी के लोग हैं उनको पता चल जाता है कि हमने गलती कर दी, हमने बहुत सारे लोगों को परेशान करा और शायद अब लोग हमें इतना पसंद नहीं करते जितना पहले करते थे। तो अब जो बोल्शेविक पार्टी के लोग हैं वो सोचते हैं कि हम इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर से ऐसा कुछ करते हैं कि लोग हमें पसंद करने लगे, ठीक है। तो इस दौरान ये लोग 5-year plan स्टार्ट करते हैं। 5-year plan जानते हो कि आप लोग, अपने इंडिया में भी होता है, और इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि हमने रशिया से सीखा, ठीक है। तो 5-year plan मतलब, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि अभी मैं 5-year plan स्टार्ट कर रही हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले 5 साल में हम लोग इंडिया में क्या कुछ करेंगे वो प्लान कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या प्लान करा कि आने वाले जो 5 साल है उसमें हम इंडस्ट्रीज का ग्रोथ करेंगे, ठीक है। आने वाले जो 5 साल है उसमें हम इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देंगे, 5 साल में हमें बढ़िया मस्त इंडस्ट्रीज बना देनी है रशिया में। सो 2-5-year plan मतलब 2 बार 5 साल मतलब 10 साल, टोटल 10 years ये लोग इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देते हैं, 1927 से लेके 1932, 1933 से लेके 1938 ये लोग सिर्फ अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देते हैं। इनका मेन मकसद इस दौरान क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप कर लेना है, ठीक है। अब आप बच्चों को पता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान क्या सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, ये सबको पता है। तो अब ऐसा ही कुछ इशू फिर से आने लगता है, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं रशिया में, तो फिर से वही इशू क्रिएट होने लग जाता है। क्या इशू क्रिएट होने लग जाता है कि वर्कर्स परेशान हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज तो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी बन रही हैं, पर अगर इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया तरीके से बन रही हैं तो वर्कर्स काम कर रहे होंगे, दिन रात काम कर रहे होंगे, तो वर्कर्स इस दौरान बहुत ज्यादा परेशान थे। इनफैक्ट हम लोग काफी एरियाज में देखते हैं कि 550 स्टॉपेजेस हुए,
ठीक है, स्टॉपेजेस मतलब वर्कर्स ने गिव अप कर दिया कि हमें काम ही नहीं करना, हम अपना काम बंद कर रहे हैं। तो वर्कर्स इस दौरान बहुत ज्यादा परेशान थे, दिन रात ये लोग काम करते थे, इनको बिल्कुल कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, इनका वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा नहीं था। ठीक है, अक्सर क्या होता था, इनको कोई बहुत ही बेकार सा घर, कोई कमरा पकड़ा दिया जाता था, उस कमरे को बहुत सारे लोग शेयर करते थे। और रशिया में ना बेटा हमारी तरह नहीं होता, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो इनका घर ऐसे होता था कि फोर्थ फ्लोर में एक रूम में बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, और अगर इनको वॉशरूम भी जाना हो, टॉयलेट भी जाना हो, तो नीचे उतरकर इनको 1-2 किलोमीटर चलना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। तो इस कंडीशन में ये लोग काम कर रहे थे रशिया में। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे वर्कर्स, रशिया के वर्कर्स परेशान थे, पर धीरे धीरे क्योंकि 5-year plan चल रहा था, इंडस्ट्रीज बनती हैं, उसके बाद क्या होता है, वर्कर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाता है, क्रेच स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वर्कर्स से कहा जाता है कि आप लोग काम करो फैक्ट्री में, आपके बच्चों का हम ध्यान रखेंगे, आपके बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे। पब्लिक हेल्थ को, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स, इन सबको बहुत चीप कर दिया जाता है, लोगों को बढ़िया घर देने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे रशिया को पता लग जाता है कि हाँ, हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया है, पर हमारे वर्कर्स बहुत परेशान हैं। तो अब वो लोग वर्कर्स को भी, वर्कर्स का भी ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलो, पर देखो हम लोग तो अभी चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना कि डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज बनी। ठीक है, जितनी जल्दी हम इसे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें उतनी जल्दी नहीं हुई। ठीक है, हम तो मतलब पेजेस पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया, पर ये धीरे धीरे हुआ था। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी उस टाइम पे इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, वो लोग जस्ट वॉर से निकले थे। ठीक है, तो उनके पास जितने पैसे थे, जितने रिसोर्सेस थे, उस हिसाब से इन लोगों ने अपना जैसे तैसे काम करना स्टार्ट करा। ओके, चलो, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ ये टॉपिक, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इन डिटेल इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लेनिन की डेथ हो जाती है। ठीक है, लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, जिनके अराउंड पूरी कहानी चली अक्टूबर रेवोल्यूशन की, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब अगर लेनिन की डेथ हो गई तो कोई और तो संभालेगा ना बोल्शेविक पार्टी को। तो बोल्शेविक पार्टी के जो नेक्स्ट लीडर थे बेटा, उनका नाम था स्टालिन। ठीक है, क्या था उनका नाम, स्टालिन। और यहाँ पे मैंने स्टालिन की एक फोटो डाल दिया ताकि आप बच्चे और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, स्टालिनिज्म। स्टालिन तो नाम है इनका, साथ में क्या लग गया, एक इज्म लग गया, ISM लग गया, है ना। तो स्टालिनिज्म क्या है, स्टालिन के जो भी विश्वास थे, ठीक है, स्टालिन की जो भी थिंकिंग थी, उस चीज को हम स्टालिनिज्म कहते हैं। ठीक है, स्टालिन ने जो भी कुछ किया रशिया के लिए, जो भी प्रिंसिपल्स थे स्टालिन के, उसको हम स्टालिनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टालिन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं। जब स्टालिन आए ना रशिया में, तो उन्होंने एक चीज स्टार्ट करी रशिया में, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कलेक्टिवाइजेशन होता क्या है वो मैं आप बच्चों को बताती हूँ। हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो रशिया है, रशिया के फार्मर्स थोड़ा अलग तरीके से फार्मिंग करते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, मान लो एक फार्मर वन है, मान लो एक दूसरे फार्मर है फार्मर टू। ठीक है, तो फार्मर वन अपनी जमीन के ऊपर फार्मिंग करेंगे, फार्मर टू अपनी जमीन को संभालेंगे, दोनों अपने अपनी जमीन को संभालेंगे, है ना। नॉर्मली ऐसे ही होता है इंडिया में, इस जमीन से जो फायदा मिला वो फार्मर वन को चला जाएगा, इस जमीन से जो फायदा मिला वो फार्मर टू को चला जाएगा। पर रशिया के फार्मर्स थोड़ा सा अलग तरीके की फार्मिंग किया करते थे, एंड इनके तरीके को हम कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन। तो रशिया में अक्सर क्या होता था, फार्मर वन एंड फार्मर टू अपनी जमीन को जोड़ लेते थे। ठीक है, फार्मर वन और फार्मर टू ने अपनी जमीन को जोड़ लिया, तो अब इनके पास थोड़ी बड़ी जमीन है। अब क्या होता था, दोनों मिलके, फार्मर वन और फार्मर टू दोनों मिलके इस जमीन के ऊपर खेती करते थे। ठीक है, फार्मर वन और फार्मर टू दोनों ने साथ में मिलके इस जमीन के ऊपर फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो भी फायदा उनको मिला फार्मिंग से, वो उन्होंने आपस में बांट लिया। और आपस में पता है बांटते भी कैसे थे, नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि आधा हिस्सा इनको चला गया, आधा हिस्सा इनको चला गया, ऐसा नहीं होता था।
पता है ये लोग बांटते कैसे थे पैसों को? मान लो फार्मर वन के घर में 3 लोग हैं, मान लो फार्मर टू के घर में 7 लोग हैं, तो क्लियरली फार्मर टू को ज्यादा पैसों की जरूरत है, उनको ज्यादा लोगों को संभालना है, तो फार्मिंग से जो भी फायदा मिलता था उसका ज्यादातर हिस्सा फार्मर टू को जाएगा और कंपैरेटिवली छोटा हिस्सा फार्मर वन को जाएगा। तो रशिया के लोग नॉर्मली कलेक्टिवाइजेशन किया करते थे, स्टालिन के टाइम पे लोगों से कहा जाता था कि कलेक्टिवाइजेशन करो, पर क्या लोग खुशी खुशी वो चीज करते थे, क्या लोग हैप्पीली कलेक्टिवाइजेशन करते थे, ये मैं आपको आपके फ्यूचर क्लासेस में समझाऊंगी। स्टालिन के आने के बाद, कलेक्टिवाइजेशन के आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, या फिर क्या क्या दिक्कतें थी रशिया में, वो सारी चीजें हम एक एक करके अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर यहां तक आप बच्चों को कोई भी डाउट है तो आपको पता ही है क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो भी कॉमेंट सेक्शन में आप बता दो कि मैम सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आइडिया लगे कि हमारे बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। अगेन, जितने भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और अपने सारे दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं टर्म टू की। ओके, चलो तो अब हम एक जल्दी से एक छोटा सा क्विज रख लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोग आराम से सोच समझ के आंसर करो क्विज के क्वेश्चंस को। अगर आप लोग इस क्लास को बाद में देखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को डाल देना, क्लास के बाद मैं आप बच्चों के कमेंट्स को देखती ही रहती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा किस किस के राइट आंसर्स हैं। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द सक्सेसर ऑफ लेनिन वॉज, ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी केरेंस्की, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी लुई ब्लैंक, ठीक है। लेनिन के सक्सेसर कौन थे ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आप लोग आराम से सोच के कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज का आंसर बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेम एसोसिएटेड विद अप्रैल थीसिस इज, जब हम लोग अप्रैल थीसिस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा नाम आता है? अप्रैल थीसिस जो है ये इनमें से किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी स्टालिन, ठीक है। अप्रैल थीसिस इनमें से किसका आइडिया था, ठीक है। अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है, तब तक हम लोग राइट आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेनिन के सक्सेसर कौन थे, ठीक है, मतलब लेनिन के डेथ के बाद नेक्स्ट बोल्शेविक पार्टी को कौन संभालते हैं? स्टालिन संभालते हैं, हमने जस्ट अभी समझा, स्टालिन संभालते हैं लेनिन की पार्टी को, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल थीसिस जब हम कहते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है? आपके दिमाग में आना चाहिए नाम लेनिन, ठीक है। लेनिन की ही 3 डिमांड को हम लोग अप्रैल थीसिस कहते हैं। क्या क्या थी 3 डिमांड्स, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने आज के क्लास में इन डिटेल पढ़ा है, सो ये बताना कि अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड्स लेनिन की क्या थी, ठीक है। आप इसे होमवर्क की तरह मान सकते हो। तो आफ्टर फेब्रुअरी अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस अभी थोड़ा सा और हम लोग इन डिटेल अपने फ्यूचर क्लासेस में कवर करेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि सब कुछ क्लियर है, ठीक है। बाकी आज हम लोग इतना ही करेंगे, फ्यूचर क्लासेस में हम इसे और इन डिटेल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।